आज हम डिस्कस करेंगे फोर पॉइंट स्टार्टर सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे थ्री पॉइंट स्टार्टर अगर प्रीवियस uh, वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख के आना है क्योंकि थ्री पॉइंट स्टार्टर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फोर पॉइंट स्टार्टर समझ में नहीं आएगा तो थ्री पॉइंट स्टार्टर का एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो देख के देखना है उसके बाद ही ये वीडियो देखना है ओके okay, सो so, फोर पॉइंट स्टार्टर क्यों बोलते हैं ए फोर पॉइंट स्टार्टर एज द नेम सजेस्ट हैज फोर मेन ऑपरेशनल पॉइंट सो एल लाइन टर्मिनल सो एल लाइन टर्मिनल ओके विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ सप्लाई ओके नेक्स्ट है ए सो ए इज द आर्मेचर टर्मिनल कनेक्टेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग ओके अब ये जो पॉइंट है फील्ड विच इज कनेक्टेड टू द फील्ड वाइंडिंग ओके एंड लास्ट जो पॉइंट इन ए फोर्थ पॉइंट विच इज कनेक्टेड टू द नो वोल्ट ट्रिप कॉयल सो नो वोल्ट ट्रिप कॉयल के साथ ये कनेक्टेड रहता है ओके सो चार पॉइंट एक है एल सेकेंड है आर्मेचर टर्मिनल थर्ड है फील्ड टर्मिनल एंड लास्ट में है एन ओके सो ए ए चैटो पॉइंट रहता है फोर पॉइंट स्टार्टर में ओके okay. अब जैसे कि थ्री पॉइंट स्टार्टर में हुआ था कि एट द ऑपोजिशन स्प्रिंग हैंडल को पकड़ के रखेगा ऑपोजिशन में अब जब हम मोटर का स्विच ऑन करेंगे ये ऑन पोजिशन में आएगा मतलब वा स्टूड वन को टच करेगा तब स्टार्ट हो जाएगा मोटर वोल्टेज बिल्डअप करने करना स्टार्ट कर देगा तो ऑन दैट कंडीशन रेजिस्टेंस कितना होगा ये प्लस आर फोर सो कुल मिला के रेजिस्टेंस टोटल हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर okay. ओके अब जब ये रन पोजिशन में आ जाता है नो वोल्ट ट्रिप कॉयल इसका काम क्या है हैंडल को पकड़ के रखेगा अब यहां पे जो थ्री पॉइंट स्टार्टर था उसमें क्या था ये नो वोल्ट जो ट्रिप कॉयल है ये डायरेक्टली फील्ड के साथ कनेक्टेड था पॉइंट स्टार्टर में हम स्पीड कंट्रोल करने जा, रह, जा रहे थे तब क्या हो रहा था दिक्कत के नो वोल्ट ट्रिप कॉयल में उतना सप्लाई नहीं दे पा रहा था ताकि वो उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था और उसके वजह से क्या हो रहा था दिल को होल्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उतना इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था तो इस केस के लिए हम लोग क्या किए इसको एनवीसी को अलग से सप्लाई दे दिया एक अलग रेजिस्टेंस एड कर दिया तो यहां पे हम फील्ड कंट्रोल कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ तीन ठो पैरल सर्किट यहां पे दिखने को मिलेगा जैसे कि आर्मेचर टर्मिनल के साथ आर्मेचर कनेक्ट रहेगा फील्ड टर्मिनल के साथ ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को आ, मोटर का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं अब ये जो लास्ट जो टर्मिनल एन इन के साथ एक और एक रेजिस्टेंस लगाए नो वोल्ट कॉयल को सप्लाई दे रहे हैं। तो इस वजह से इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा अलग है, ये सब पैरालली कनेक्टेड है मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट है सो तो इसमें नो कॉयल नो वोल्ट कॉयल में भी सप्लाई ठीक रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगा तो सिंपली यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर पॉइंट स्टार्टर में याद रखना कि लाइन टर्मिनल रहता है उसके बाद आर्मेचर टर्मिनल के साथ आर्मेचर कनेक्ट रहता है फील्ड टर्मिनल फील्ड फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट रहता है यहाँ पे हम लोग फील्ड टर्मिनल के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड करके स्पीड कं स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं मोटर का और उसके बाद लास्ट और फोर्थ टर्मिनल जो है एन एन के साथ हम एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं लिमिटिंग रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करके इसको एन के साथ कनेक्ट करते हैं तो यही है डिफरेंस बिटवीन थ्री पॉइंट स्टार्टर एंड फोर पॉइंट स्टार्टर तो थ्री पॉइंट स्टार्टर में हम लोग स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और यहां पे हम लोग स्पीड कंट्रोल कर पा रहे हैं Okay, so that's it. Thank you.